सब्सक्राइब कीजिए डीजी कौशिक चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हर फ्राइडे को MIUI 8 ग्लोबल बीटा नाम का एक नया अपडेट आ जाता है, लेकिन दोस्तों इस बार अपडेट आने में थोड़ा डिले हो गया है कुछ टेम्पोररी फिक्सेस के लिए। तो ये नया MIUI 8 7.5.18 ग्लोबल बीटा नाम का अपडेट आपको 22 मई को OT अपडेट का थ्रू मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ डिवाइस में ऑलरेडी कल फ्राइडे को ही अपडेट आ गया था, लेकिन मेरा रेडमी नोट 4 में कल ये अपडेट नहीं आया था। आज भी अभी तक ये अपडेट नहीं आया है, आज सैटरडे हो गया है। लेकिन दोस्तों ये MIUI 8 7.5.18 ग्लोबल बीटा रैम का फुल चेंज लॉग ऑफिशियली आ गया है। मैं बेसिकली वेट कर रहा था आज शायद सैटरडे को ये अपडेट आ जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्टली अपडेट करने के बाद ही अपडेट का फुल चेंज लॉग बता दूं, लेकिन दोस्तों ऑफिशियली बताया गया है ये अपडेट 22 मई को ही ठीक ठाक से रोल आउट किया जाएगा। तो जो भी है दोस्तों यहाँ पे चलिए आपको बता देता है ये अपडेट का फुल चेंज लॉग, यानी क्या क्या चेंजेस आया है, क्या नया फीचर्स आया है, क्या क्या बग फिक्स्ड हुआ है और कौन कौन सा डिवाइस में आपको ये अपडेट मिलेगा। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको कैसे ये अपडेट को इंस्टॉल करना है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कौशिक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये अपडेट का चेंज लॉग के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों पिछले अपडेट MIUI 8 7.5.11 का अपडेट में बहुत सारे बग फिक्स्ड हुआ था, कुछ नया थीम्स, वॉलपेपर, रिंगटोन्स एंड फॉन्ट्स भी मिला था, बहुत सारे चेंजेस भी आया था। लेकिन इस बार ये नया अपडेट MIUI 8 7.5.18 ग्लोबल बीटा रैम का अपडेट में ज्यादा कुछ नया फीचर्स नहीं मिलेगा, बट इस बार ये अपडेट में MIUI डेवलपर टीम ज्यादा सिस्टम इंप्रूवमेंट्स एंड सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन का ऊपर ज्यादा फोकस किया है। लेकिन दोस्तों ये अपडेट में MIUI 8 को और ज्यादा स्मूथ एंड फास्ट करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए कुछ डाउनग्रेड भी किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फीचर्स को निकाला गया है जो कि बहुत ही बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये जो फीचर्स को निकाला गया है वो बहुत ही अच्छा एंड यूजफुल फीचर्स था। तो चलिए दोस्तों मैं आपको आगे एक एक करके बता देता हूँ ये अपडेट में आपको क्या अपग्रेड देखने को मिलेगा और ये अपडेट में कौन कौन सा फीचर्स को डाउनग्रेड किया गया है। तो यहाँ पे ये अपडेट के अंदर सबसे पहले जो चेंजेस आया है वो है कैलेंडर ऐप के लिए। यहाँ पे अभी कैलेंडर ऐप में आपको बहुत सारे अलग अलग कार्ड्स देखने को मिलेगा, जैसे कि हॉरोस्कोप, न्यूज, क्रिकेट न्यूज एंड क्रिकेट मैच शेड्यूल, ये सारे कार्ड्स आपको कैलेंडर ऐप में मिल जाएगा। तो आप अभी डायरेक्टली कैलेंडर ऐप से ही ये सब देख पाएंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं ये जो फीचर है कैलेंडर ऐप में, ये फीचर्स हम लोगों को पहले ही एक अपडेट में मिल गया था, लेकिन दोस्तों तब यहाँ पे बहुत ज्यादा बग्स था और इसीलिए MIUI ऑफिशियली इसको पिछले अपडेट का अंदर हाइलाइट्स नहीं किया था। लेकिन इस बार 7.5.18 का अपडेट में ये फीचर्स को ऑफिशियली हाइलाइट्स किया गया है, क्योंकि ये फीचर्स अभी काफी अच्छा से स्मूथली काम कर रहा है। दोस्तों दूसरा मैसेजिंग ऐप के लिए कुछ अपडेट है, बेसिकली ये डाउनग्रेड है, जहाँ पे सर्विस एंड प्रोमो SMS एक अलग से नोटिफिकेशन फोल्डर के अंदर आ जाता था, लेकिन ये फीचर्स अभी और नहीं मिलेगा। उसके बाद आप मैसेजिंग ऐप में मैसेज को शेड्यूल कर पाते थे, लेकिन वो फीचर्स भी अभी डिलीट कर दिया गया है। और लास्ट में अभी आप ग्रुप मैसेज भी नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तीन कमाल का जो फीचर्स था जो MIUI मैसेजिंग ऐप में हम लोगों को मिलता था वो अभी और नहीं मिलेगा, क्योंकि MIUI को ज़्यादा स्मूथ एंड स्टेबल करने के लिए। लेकिन मेरा हिसाब से ये बहुत ही बेकार का काम किया है MIUI, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल फीचर्स था, लेकिन क्या कर सकता है जो निकाला गया है ये अपडेट के अंदर वो मैं आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे होम स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी अपडेट्स है, जहाँ पे रिसेंट ऐप टास्क बार में मेमोरी क्लियरिंग करने का बटन को थोड़ा सा एडजस्ट किया गया है। पिछले अपडेट के बाद में ये क्लियरिंग बटन स्क्रीन का बहुत ही नीचे आ गया था, तो वन हैंड में यहाँ से क्लियरिंग करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता था, लेकिन इस बार ये क्लियरिंग बटन को एडजस्ट कर दिया गया है। और लास्ट में स्पेशली इंडिया के लिए इस बार भी 41 न्यू थीम्स, 91 न्यू वॉलपेपर, 78 न्यू रिंगटोन एंड 12 न्यू फॉन्ट्स मिलेगा। और जैसे कि ये ग्लोबल रोम है, तो यहाँ पे अदर्स कुछ कंट्रीज के लिए भी, जैसे कि ब्राजील, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, हांगकांग, ताइवान के लिए भी 41 न्यू थीम्स एंड 27 न्यू वॉलपेपर ऐड किया गया है। तो दोस्तों ये था ये अपडेट का फुल चेंज लॉग। अब बात करते हैं कौन कौन सा डिवाइस में आपको ये नया MIUI 8 7.5.18 ग्लोबल बीटा रैम का वीकली अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पे ये नया अपडेट Redmi 2, Redmi 2 Prime, Mi 3, Mi 4, Redmi Note 3 Qualcomm, Redmi Note 3 Special Edition, Redmi Note 4 MTK, Mi 4i, Redmi Note 2, Redmi Note 4G, Redmi Note Prime, Mi Max 32GB, Mi 2, Mi 2S, Mi 5, Mi 5S Plus, Mi Note, Redmi 3, Redmi Prime, Redmi 3S, Redmi 3S Prime, Redmi Note 4, Redmi Note 4 Qualcomm, Redmi Note 4X, Mi Note 2, Mi 5S, Mi Mix, Redmi 4, Redmi 4X, Redmi 4A, ये सारे डिवाइस में आपको ये नया MIUI 8 ग्लोबल बीटा रैम 7.5.18 का अपडेट OT अपडेट के थ्रू मिल जाएगा। आप सिंपली आपका अपडेटर ऐप से ये अपडेट को इंस्टॉल कर सकता है।
और दोस्तों इस बार ये अपडेट थोड़ा सा डिले आया है। नॉर्मली सुबह सुबह हर फ्राइडे को ग्लोबल बीटर हम का अपडेट मिल जाता है, तो अगर आपको ये अपडेट अपडेटर ऐप के अंदर अभी तक नहीं आया है तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ये नया अपडेट MIUI 8.7.5.18 का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा और आप वहां से रिकवरी रॉम फाइल को डाउनलोड करके मैनुअली अपडेटर ऐप के थ्रू इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन दोस्तों मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हूँ वहां पर अभी तक डाउनलोड लिंक आपको नहीं मिलेगा क्योंकि MIUI से ऑफिशियली बताया गया है डाउनलोड लिंक विल बी प्रोवाइडेड लेटर। लेकिन दोस्तों एक बार जब डाउनलोड लिंक MIUI का तरफ से अपडेट कर दिया जाएगा उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उसी लिंक में ही आपको ये नया MIUI 8.7.5.18 का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों और एक बात है, Redmi 4 इंडियन वर्जन एंड Redmi 4X में अपडेट आने में थोड़ा डिले हो सकता है जो कि ऑफिशियली बताया गया है। तो दोस्तों बस इतना ही था ये अपडेट में। प्लीज आप ये वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो छोटा सा घंटा का आइकन है वहां पे भी एक बार क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन में मेरा वीडियो का अपडेट मिल जाएगा और आपको यहाँ पे लेटेस्ट MIUI का अपडेट सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं हूँ कौशिक और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।